नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं 12 ऐसे तरीके आप लोगों को बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं, या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप घर बैठे इनकम जनरेट कर सकती है। लॉकडाउन के समय पर आप लोगों की अगर हालत ख़राब है और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा बिजनेस आपको मिल जाए जिससे घर बैठे बैठे आप पैसे कमा सकें, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो, तो आप किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 12 आइडिया हैं, एक ना एक आइडिया आपके काम का ज़रूर होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और 12 आइडियों को अच्छे से सुने। 101% आपको गारंटी देता हूं कि आपको इसका जरूर फायदा देखने को मिलेगा। वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। जो सबसे पहला आइडिया होने वाला है वो यूट्यूबर बनके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। यूट्यूबर कौन होती हैं? जो यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं। अब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप सोच सकते हैं मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इस वीडियो से मेरे को इनकम होती है, तो मेरे को इनकम हो रही है वीडियो बनाने से, तो आपको भी इनकम हो सकती है वीडियो बनाने से। यूट्यूब से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। जैसे यूट्यूब पर हम वीडियो बनाते हैं तो आपने देखा होगा वीडियो शुरू होने से पहले विज्ञापन आता है, तो उस विज्ञापन का पैसा हमें मिलता है। बहुत सारी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बताते हैं तो उन एप्लीकेशन की जो कंपनियां होती हैं वो हमें पैसा देती हैं। बहुत बार हम प्रोडक्ट ओपन करके दिखाते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट है, ये मोबाइल है, तो कंपनियां हमें वो प्रोडक्ट गिफ्ट में देती हैं वीडियो बनाने के लिए। तो यूट्यूब की मदद से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि यूट्यूब से पैसे कमाने का पूरा प्रोसेस क्या है, तो आप कमेंट करके हमें बता देना। दूसरा तरीका है, अगर आपको लिखने का शौक है, लिखने का वैसे हर किसी को शौक होता है, आप किसी भी तरह की चीज़ें लिखना पसंद करते हैं, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे एजुकेशन, चाहे मोटिवेशनल स्टोरी, शायरी या कुछ भी, नॉवेल्स वगैरह कुछ भी आप लिखने के शौकीन हैं, तो आप लिखकर भी पैसा कमा सकते हैं। लिख के पैसे कमाने के दो तरीके हैं। पहली है कि आप अपनी खुद का ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉग या वेबसाइट बनाकर वहां पे आर्टिकल लिख सकते हैं किसी भी स्पेशल कैटेगरी पे। जैसे आपको खाना बनाना आता है तो उसके आप आर्टिकल लिख सकते हैं और वहाँ से इनकम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप दूसरों के लिए कंटेंट राइटर का काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से करोगे? जैसे आपको किसी एक फील्ड की अच्छी नॉलेज है, जैसे आपको टेक्निकल फील्ड की अच्छी नॉलेज है, तो आप गूगल में जाइए और कुछ ऐसी वेबसाइट सर्च करिए जो टेक्निकल चीज़ों के ऊपर लिखती हो, और उनको मेल करिए कि हम आपके लिए कंटेंट लिख के आपको देंगे, आप हमें पैसे दे देना, तो वो लोग आपको कंटेंट राइटर की तरह हायर कर लेंगे। अगर आपको इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए कि कैसे अपना खुद का वेबसाइट या ब्लॉग बना के कंटेंट राइटिंग का काम करके पैसे कमा सकती हैं, तो भी आप कमेंट करके बताना, मैं डिटेल में इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक आइडिया देने के लिए है, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। दोस्तों, आपको पता हो ये तीसरा आपका इनकम सोर्स हो सकता है, ये है डाटा एंट्री करके भी आप काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकती हैं। इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको सर्विस देती हैं कि आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, जैसे कि fiverr.com है जिस पर आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, और मिनिमम एक डील का आपको $5 मिलेगा, लगभग 350 से ज़्यादा रुपए मिलेंगे एक डील भी आप किसी के साथ फाइनल करते हो, या तो 350 मिलेंगे या उससे अधिक मिलेंगे, मतलब 350 से कम नहीं मिलेंगे आपको सिंगल डील का। तो अगर आप डाटा एंट्री करना जानते हो, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो आप एक तो ऑनलाइन डाटा एंट्री कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑफलाइन में भी डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आपको डाटा एंट्री का काम मुहैया कराती हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे डाटा एंट्री जॉब नियर मी, तो आपको बहुत सारी अपने आसपास ऐसी ही जॉब मिल जाएंगी जो डाटा एंट्री का आपको काम देंगी और उसके बदले आपको पैसा देंगी। लेकिन यहाँ पे आपको सतर्कता बरतनी है, क्योंकि बहुत सारी फेक और फ्रॉड कंपनी भी हैं जो डाटा एंट्री के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2020-2021 में कोविड आया, कोविड की वजह से बच्चों की कोचिंग स्टार्ट नहीं हो पाई, साथ ही साथ स्कूल भी बंद हुए, तो उस वजह से हुआ क्या कि सभी टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए, स्कूल वालों ने भी यही फॉर्मेट स्टार्ट किया, वो भी ऑनलाइन ही पढ़ाना शुरू कर दिए। लेकिन
आपको बताना चाहूँगा कि आप भी ऑनलाइन टीचिंग देके पैसे कमा सकती हैं। किस तरीके से? इसके भी दो तरीके हैं। एक तो आप किसी ऐसी वेबसाइट वालों से कॉन्टैक्ट कर लें जहाँ पे आप टीचर बन सकते हैं, जैसे अनअकैडमी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि कोर्सेज वगैरह सेल करती हैं, वहाँ पर आप टीचर बन सकती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़, आप खुद का कोर्स शुरू कर सकती हैं या खुद ही टीचिंग कर सकती हैं, अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं, उन्हें सर्विस दे सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी पढ़ा सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जिनके माध्यम से आप अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं और उस ऑनलाइन कोचिंग के पैसे ले सकती हैं। जैसा कि आपको पता होगा 2021 और 22 में लॉकडाउन आया तो ऑफलाइन जो मार्केट थी वो बंद हो गई। लोगों ने ऑफलाइन खरीदना बंद कर दिया क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी थी, एक ऐसा वायरस था जो छीने से, किसी चीज़ को छूने से खुद को हो जाता था, तो लोगों ने दूसरी चीज़ों को हाथ लगाना बंद कर दिया। लेकिन उस समय एक चीज़ की ग्रोथ हुई थी, वो ई कॉमर्स बिजनेस की ग्रोथ थी। लोगों ने काफ़ी बड़ी तादाद में ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दिया और इस टाइम पर देखा जाए जियो के आने के बाद लगातार ई कॉमर्स बिजनेस बूम की स्टेज पर जाता जा रहा है। तो अगर आप ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस शुरू करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या तो आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस है, उस ऑफलाइन बिजनेस को आप ऑनलाइन ले जाइए, या आपका बिजनेस नहीं है और आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो आप अपने बिजनेस को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी स्टार्ट करिए, जिससे आप अपने लोकल मार्केट के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया को ई कॉमर्स के माध्यम से कनेक्ट कर पाएं और उनको अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएं। अगला है कि अगर आपको एडिटिंग आती है तो वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं और किस तरीके से ये चीज़ें भी आपकी काम करेंगी। बहुत सारे नए नए YouTube चैनल बन रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल बन रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं मार्केट में जो दूसरे लोगों को सुविधा देते हैं कि आप सिर्फ वीडियो बनाइए, एडिटिंग का काम हमारे पास छोड़ दीजिए। जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो क्या करते हैं, एडिटिंग किसी और से करवाते हैं। अब एडिटिंग करने के लिए आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, अपने घर पर बैठे बैठे आप एडिटिंग कर सकते हैं। आप अपने जो वीडियो कंटेंट बनाते हैं उनसे कांटेक्ट करिए, यूट्यूब चैनल वालों से कांटेक्ट करिए, उनसे बोलिए कि हम आपकी एडिटिंग कर देंगे। आप उन्हें कुछ सैंपल दीजिए कि ये देखो सैंपल है, उसके बाद उनसे वीडियो लीजिए, एडिटिंग करिए और उन्हें वीडियो ड्राइव के माध्यम से या किसी और माध्यम से सेंड करिए। जब वो उस वीडियो को देखेंगे अच्छी बनी है तो लगातार आपसे ही वो वीडियो की एडिटिंग करवाएंगे और लगातार आपसे एडिटिंग करवाएंगे तो आपको लगातार काम मिलता रहेगा। आप अधिक से अधिक यूट्यूबर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अधिक से अधिक वीडियो को एडिट करके अधिक से अधिक पैसे कमा सकते हैं। चलिए मैं अब आपको आठवां तरीका बता देता हूँ। दोस्तों आज के समय पर एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी तेज़ी से चल रही है। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है पहले ये आपको समझा देता हूँ, फिर समझाऊंगा कि इसके माध्यम से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां आप लोगों को सुविधा देती हैं कि आप लोग उनके प्रोडक्ट को सेल कराओ और सेल कराने के बाद आप प्रॉफिट कमाओ। वो क्या करती हैं, वो आपको बोलती हैं कि हमारे प्रोडक्ट को जब आप सेल कराओगे तो आपको फिक्स कमीशन हम देंगे, तो वो एक एफिलिएट लिंक जनरेट कर देती हैं अपनी वेबसाइट का और उस लिंक से कोई भी कुछ खरीदेगा तो आपको फिक्स कमीशन मिलता है। अमेजोन भी ये करता है, फ्लिपकार्ट भी करता है और सभी मोस्टली ई कॉमर्स कंपनियाँ ये सर्विस देती हैं। तो आप अगर एफिलिएट के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, बाकी का एफिलिएट की ऑलरेडी मैं वीडियो बना भी चुका हूँ। आप किसी भी कंपनी के साथ एफिलिएट मार्केट कर सकती हैं और उसके माध्यम से काफी अच्छा पैसा महीने का कमा सकती हैं। होता क्या है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, सोशल मीडिया की अच्छी नॉलेज है तो आप अपने पेड कोर्स बना सकती हैं। पेड कोर्स यानी कि ऐसी वीडियोज जिनको आप पैसे देके दूसरे लोगों को दिखा सकती हैं। आज के टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और जो लोग उन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को या सोशल मीडिया के बारे में चीज़ों को बताते हैं वो कोर्स बड़ी तादाद में सेल होते हैं और उन कोर्स से काफ़ी अच्छा लोग पैसा भी कमाते हैं। आप कहोगे कोर्स तो बना देंगे लेकिन उन कोर्स को सेल कहाँ करेंगे, तो एक वेबसाइट है इंस्टा मोजो नाम से, इंस्टा मोजो पर आप अपने डिजिटल कोर्स को सेलिंग के लिए लगा सकती हैं। वो कुछ परसेंट कमीशन लेती हैं, बाकी का सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज देती हैं। तो आप पहले अपना कोर्स बनाइए और इंस्टा मोजो पर सेलिंग के लिए डालिए और उस कोर्स का प्रमोशन आप करा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कोर्स को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कोर्स को खरीदें। अगला है कि आप इन्फ्लुएंसर बन के कमा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं पहले इस चीज़ को समझते हैं। जो दोस्तों जिनके पास एक अच्छा नेटवर्क होता है, जो एक सेलिब्रिटी टाइप में जाने जाती हैं, जैसे कि यूट्यूबर हैं,
छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं लेकिन वो इन्फ्लुएंसर होते हैं क्योंकि उनके पास जो ऑडियंस बेस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर आप ऑडियंस बेस बना सकते हैं किसी भी चीज़ में तो आप इन्फ्लुएंसर कह पाएंगे कि यानी कि आप कोई भी बात बोलते हो वो इन्फ्लुएंस होती है आपकी ऑडियंस के बीच में। तो इन्फ्लुएंसर बन के आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं और आपको कोलैबोरेशन के पैसे मिलते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर कोलैबोरेशन से ही पैसा कमा रहे हैं, तो आप लोग भी कमा सकते हैं अगर आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो। हमारा अगला है कि आप ऑनलाइन सामान बेचकर पैसे कमा सकते हैं, वो किस तरीके से, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, एक रीसेलिंग बिजनेस मॉडल इंडिया में चलता है जिसमें आपको क्या करना होता है कि दूसरे का माल होता है उसमें अपना कमीशन जोड़ के आगे सेल करना होता है। तो जो सेलर होता है वो आपके नाम से माल को आपके कस्टमर तक पहुँचाता है, आपका ही नाम लिखेगा पार्सल पर, आपके ही नाम से कस्टमर को पहुँचाएगा, जिससे क्या होता है कस्टमर को कभी भी ये नहीं पता चल पाता कि प्रोडक्ट किसी और का है, वो हमेशा यही सोचता है कि वो प्रोडक्ट आपका ही है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो रीसेलिंग की सुविधा देती हैं, जैसे मीशो, ग्लोरो, रैपिड शॉप, शॉपसी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रीसेलिंग के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल है वी मेक रीसेलर, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और रीसेलिंग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लीजिए कि रीसेलिंग के माध्यम से कैसे आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक थी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से दबा दीजिए, जिससे ऐसा ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपको लगातार मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।